हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैंने बोया बाय एम1 माइक मंगाया है फ्लिपकार्ट से, और मैंने इससे पहले अमेजोन से मंगाया था तो उसमें ना फेक आ गया था। तो ये फ्लिपकार्ट से मंगाया है, और एक भाई का चैनल था उससे देख करके, पहले बड़े बड़े यूट्यूबर का देख करके मंगाता था, तो अमेजोन से फेक ही आया। तो फिर फाइनली फ्लिपकार्ट से मंगाया, और मैं इसको आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करूँगा और आप लोग देखिए। और मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, इतना मैं बिलीव के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि वो भाई ने अपना चैनल में बताया था कि मेरे लिंक से लीजिएगा तो ओरिजिनल मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे खोलिएगा तो ये आपको बिल मिल जाएगा, आपको बिल के अंदर में यहाँ पे बॉक्स रहेगा। तो और इससे पहले जो मंगाया था वो ना काफ़ी खुला खुला हुआ सा प्रोडक्ट था, सारा पैकेजिंग उसका खुला हुआ था। और बिल पे देखिए यहाँ 540 में मैंने मंगाया था, तो 540 लिखा हुआ है, और ये ऑफ़र में मंगाया था। इनका प्राइस कभी ऊपर होता है 700-800 तक चला जाता है, फिर कभी नीचे आ जाता है। 540 में मंगाया मैंने, सबसे कम प्राइस है ये। और इनका पहचान मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ओरिजिनल पहचानने का क्या नियम होता है कि सबसे पहले तो ये बोया जो लिखा हुआ है, बोया उनके जस्ट साइड में आर लिखा हुआ रहता है फेक पे, लेकिन इसमें नहीं है तो ये ओरिजिनल है। उनके बाद और ये स्टिकर होता है यहाँ पे, ये जो आप QR कोड देख रहे हैं इससे पहले स्टिकर था, मैं स्टिकर आप लोगों को दिखा देता हूँ वीडियो में, लेकिन ये मैंने अलग कर लिया है। इससे पहले मैंने खोल के चेक कर दिया है सब कुछ, तब फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये स्टिकर से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ स्टिकर को जैसे ओपन कीजिएगा, मैंने उखाड़ा था इससे पहले। ये हटाने के बाद देखिए QR कोड है, इसी QR कोड को जो है आप पहले प्ले स्टोर से QR स्कैनर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद स्कैन कीजिएगा तो उस साइट पे लेके चला जाएगा। उस साइट को ओपन करना है आपको, मैं वीडियो में दिखा दूंगा, लास्ट में दिखा दूंगा वो करके, मैं वो ओरिजिनल शो कर देता है। इनका यही था पहचानने का तरीका। और एक तरीका है मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इनके इस साइड में राइट साइड में यहाँ पे बोया लिखा हुआ है, और इनके बोया के नीचे जो है लिखा हुआ है प्रो ऑडियो सीरीज। प्रो ऑडियो सीरीज जो है ये छोटा अक्षर में लिखा हुआ है, अगर आप डुप्लीकेट लीजिएगा तो बड़ा अक्षर में रहेगा। और उसके जस्ट बगल में यहाँ लिखा हुआ बाय M1, यहाँ जो ये बाय M1 का ब्रांडिंग है ये थोड़ा ना ब्लैक और हल्का सा ब्लू इस टाइप से है, मतलब फुल्ली ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा सा ब्लू इस टाइप से है, और यही से पता चलता है ये ओरिजिनल का यही पहचान है। अगर फेक लीजिएगा आप, फेक अगर आपको आएगा तो ये फुल्ली ब्लैक रहेगा। और ये पीछे में कुछ इनका दिया गया है, लिखा हुआ क्लिप ऑन माइक ऑन स्मार्टफोन DSLR कैमकॉर्ड ऑडियो रिकॉर्डर, उसके बाद है ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन, फिर उसके बाद हाई क्वालिटी कंडेंसर इज डील फॉर वीडियो यूज, फिर लो हैंडलिंग नॉइज है, मतलब ये नॉइज को बहुत कम कैंसिल करता, नहीं के बराबर। और इनके बाद यहाँ पे है इलेक्ट्रिक कंडेंसर दिया गया है इनके अंदर, और फिर यहाँ पे है 65 Hz से 18 kHz तक है इसका फ्रिक्वेंसी रेंज, उसके बाद सिग्नल रेंज है 74 dB। यही है इनका सारा कुछ, और यही है ओरिजिनल, मैंने इसको अच्छे से चेक कर लिया है। और ये जब भी कभी आप लीजिएगा तो फ्लिपकार्ट से ही लीजिए, अमेजोन से आजकल फेक आ रहा है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ख़रीदिएगा तो 100% है कि ओरिजिनल ही आएगा, 540 में ही हमने मंगाया है। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ अच्छे से, और जैसे ही आप अनबॉक्सिंग कीजिएगा तो ये सबसे पहले इसका ये वाला पोर्शन जो है इनको बाहर कीजिएगा, ये बाहर करने के बाद ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा बहुत आसानी से। और जैसे खोलिएगा तो फिर ये एक यहाँ पे कैरी करने के लिए एक थोड़ा सा बैग रहता है, छोटा सा लेदर टाइप से लगेगा, लेकिन ये ओरिजिनल लेदर नहीं रहता है। और इनके अंदर दो गो इंस्ट्रक्शन मैनुअल रहता है, बुक टाइप का रहता है छोटा सा, और ये इनको आप पढ़ के स्टेप बाय स्टेप माइक के बारे में जान सकते हैं और कैसे कैसे यूज किया जाता है, इनको कोई नहीं पढ़ता है। और ये आपको इस पे नाम वगैरह लिखा जाता है, और ये इसमें ना एक साइड इंग्लिश में है और इसका दूसरा साइड में चाइनीज़ में है। चलिए इन सबको साइड करते हैं, आते हैं अपना ये माइक के बारे में देखते हैं अंदर में क्या क्या है। इसके अंदर में आप देख रहे हैं ये माइक आ गया, और एक में सारा कुछ है, कंडेंसर है नॉइज कैंसिलेशन के लिए माइक का है ऊपर से, और ये बैटरी हो गया, और ये नॉइज कैंसिलिंग के लिए माइक के ऊपर में लगा दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा नॉइज हटाता है। और ये बड़ा वाला कंडेंसर है, इसका तो फ़ोन में वर्क नहीं होता है यूज DSLR में, और ये स्टैंड हो गया।
स्टैंड भी काफ़ी अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का स्टैंड है, काफ़ी हार्ड है और इनको आप कॉलर पे क्लिप कर सकते हो। और छोटा वाला जो ये देख रहा है छिद, उसी में आप माइक को अच्छे से उसको होल्ड कर दीजिएगा। और ये बैटरी ना, बैटरी स्मार्टफोन पे अगर माइक यूज कीजिएगा तो उसमें बैटरी का कोई यूज नहीं होता है, DSLR जब यूज कीजिएगा तब ये टू बैटरी यूज किया जाता है, ये कोई नहीं जानता है। इसको मैं अभी मैंने बिना बैटरी का यूज किया है, अच्छे से वर्क किया है। और ये इस पे ब्रांडिंग रहता है बोया का, यहाँ देख रहे हैं आप बोया का ब्रांडिंग है लिखा हुआ, यही है उसका ओरिजिनल का एक और पहचान है ये। और यहाँ पे देखिए QR कोड है यहाँ पे बोया का, आपको ये दिखा देता हूँ अच्छे से, यहाँ QR कोड है, दिख रहा होगा आप लोगों को, उसको यहाँ भी स्कैन करके आप इसका ओरिजिनल का जांच कर सकते हैं QR कोड से। और नीचे बोया का ब्रांडिंग दिया, यही है मेन ओरिजिनल का पहचान, तीन चार है पहचानने का, तो वो मैंने सारा कुछ वीडियो में बता दिया है। और ऊपर ऊपर वाला हो गया कैमरा और नीचे लिखा हुआ है स्मार्टफोन ऑफ ऑन है लिखा हुआ, नीचे अभी है जैसे, तो ये स्मार्टफोन पे इनेबल है और इनको जैसे ऊपर कीजिएगा तो ये कैमरा के लिए हो जाएगा। वो बैटरी जो दिखा रहे थे आपको अभी, वो बैटरी DSLR में जब कीजिएगा तब ये बैटरी यूज होगा, अदरवाइज उसका कोई ज़रूरी नहीं है। स्मार्टफोन में बिना बैटरी का भी ये वर्क करता है, ये बहुत कोई नहीं जानता। चलिए मैं खोल के दिखाता हूँ बैटरी कहाँ लगता है, इनसे पता चल जाएगा। जैसे आप इनको खोलिएगा, ये वाला बीच में वो दिख रहा होगा, ये स्पेस है बैटरी के लिए, वो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। मुझे तो नहीं लगाना है क्योंकि मैं फ़ोन से यूज करूँगा। और मैं अभी जो आपको दिखाऊँगा ये बिना बैटरी का अभी माइक आपको अच्छे से चेक करके बताऊँगा, और आप लोग वीडियो में बने रहिए, अभी जस्ट मैं दिखाऊँगा। इसका वायर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है, 20 फीट का है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ब्लॉगिंग करते हो या फिर आप कोई भी वीडियो बनाते हो, उसके लिए ये बेस्ट माइक है। अभी मैं बोल रहा हूँ बिना माइक का, और ये नॉर्मल फ़ोन से माइक है, फ़ोन का माइक है। तो बताइएगा आप लोग कैसा है इनका क्वालिटी। और मैं फिर से अभी मैं बोया का माइक लगा रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अभी अभी मैंने माइक लगा दिया है और ये बोया का माइक से मैं बोल रहा हूँ। और बताइए कि ये माइक का आवाज़ कैसा है, नॉर्मल का अच्छा था या फिर ये बोया का माइक का अच्छा है। और मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ ताकि ये ना लगे कि स्मार्टफोन से मैंने किया है, तो स्मार्टफोन के नज़दीक रहने के बाद पता नहीं चलेगा। तो मैं अभी माइक के पास थोड़ा दूर डिस्टेंस पे आकर के, डिस्टेंस के पास आकर के बोल रहा हूँ, और ये इनसे वीडियो में पता चल जाएगा कि माइक का आवाज़ कैसा है। तो अब तक पता चल गया होगा, मैं अपना कैलकुलेशन बताता हूँ। प्ले स्टोर से QR कोड स्कैनर ऐप डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिएगा, और स्कैन करने के बाद ये नंबर आएगा। नंबर आने के बाद यहाँ से ओपन रहेगा, ओपन कीजिएगा, क्रोम पे जाना है आपको, क्रोम पे जैसे जाइएगा ये खुद ब खुद स्कैन कर लेगा आपका वो नंबर। यहाँ एलो करना पड़ेगा, ये लोकेशन मांगेगा, लोकेशन एलो करने के बाद ये खुद यहाँ दिखा देगा ओरिजिनल है कि नहीं। मैंने ये दोबारा किया है, इसी वजह से यहाँ दिखा रहा है कि दोबारा यूज नहीं किया जाता है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ द सिक्योरिटी कोड यू हैव सेकेंड टाइम यूज, इसीलिए मैं फर्स्ट मैं यूज किया हूँ, तो उसमें मेरे दिखाया गया था कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है और ये इनसे आप काफ़ी सेटिस्फाइड हो सकते हैं, और ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, अच्छे से वर्क करता है। आई होप ये अच्छा लगा होगा आपको। तो फाइनली गाइज, मैंने वीडियो को चेक कर लिया और आप लोग देख भी चुके होंगे कि कैसा रहा माइक का क्वालिटी। और ये देखिए सेल यहाँ बाहर में है, और मैंने बता दिया कि बिना सेल का भी स्मार्टफोन में वर्क करता है। ये सेल सिर्फ DSLR में काम करने वक्त आती है, तो मैं सेल को बाहर ही रख दूंगा। और मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, ये मेरा फ़ोन का नॉर्मल कैमरा जो होता है उस नॉर्मल कैमरा में अच्छे से वर्क कर गया है, और मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मुझे ओपन कैमरा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, फ़ोन का इनबिल्ट में काम कर जाए वो ज़्यादा बेटर होता है, तो वो हो चुका है फाइनली। तो मैं अभी माइक से ही बोल रहा हूँ, और ये माइक का ही आवाज़ होगा आपके पास जो जा रही है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से ख़रीद के, आई हेट Amazon फॉर स्पेशली बोया बाय M1 के लिए, बाहर में जाए Amazon, मैंने मेरा उसके चक्कर में 15 दिन बर्बाद हुआ है, मंगाता था रिटर्न करता था फिर मंगाता था, फाइनली फ्लिपकार्ट अच्छा प्रोडक्ट दिया है, ओरिजिनल प्रोडक्ट दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।